नमस्कार, न्यूज विजन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं। और 5 जून इंडिया वर्सेज आयरलैंड, लो जी तारीख आ गई है। और इनफैक्ट जो इंडिया का मैच है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इंडिया कैंपेन यहां से स्टार्ट होगा और पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ होगा। तो ऐसे में भाई दोनों टीमों की ताकत कमजोरियां क्या क्या हो सकती हैं, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, भाई हेड टू हेड में टीम इंडिया कितना आगे है और फेवरेट कौन है, श्रद्धा पांडे से ही पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई आयरलैंड की टीम ठीक है, थोड़ी सी उस तरीके की टीम तो नहीं है, लेकिन बट फिर भी आजकल हमने सेटबैक बड़े देखे हैं T20 वर्ल्ड कप में, नामीबिया वर्सेस ओमान का जो मुकाबला हुआ था, क्या आयरलैंड टीम इंडिया को थोड़ा तंग कर सकता है पांडे? देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है मोनू, टीम इंडिया को डेफिनेटली आयरलैंड की टीम तंग करने वाली, क्योंकि अभी हमने पिछला मुकाबला जो आयरलैंड का देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने सीरीज खेली थी, उस मैच में सीरीज भले ही पाकिस्तान के नाम हो गई थी लेकिन आयरलैंड ने वो मुकाबला, एक मुकाबला जीता था, सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली थी, लेकिन पहले मुकाबले में आयरलैंड ने बहुत ज़्यादा तंग करा था पाकिस्तान को। चाहे आप लॉरेन टकर की बात कर लीजिए, एंड्रयू बेलबर्नी की बात कर लीजिए, उनके सभी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। 2022 में भी आयरलैंड जब टीम इंडिया गई थी, जब जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, वहां पर भी आयरलैंड ने टीम इंडिया को तंग करा है। तो सेटबैक हमें जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी, हम तो चाहेंगे कि टीम इंडिया जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करे। दिल तो हिंदुस्तानी है। अब ऐसे में देखिए भाई, जो वार्म अप मैचेस हुआ था इंडिया का वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ, वहां हमने बहुत कुछ देखा, वो इंडिया जरूर जीता है, लेकिन वहां पर हमने जायसवाल को नहीं देखा ओपन करते हुए, हमने यूजी चहल को नहीं देखा, यानी कि डबल वाई, यूजी और जायसवाल, वाई मतलब वाई क्यों नहीं, तो क्या उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी टीम इंडिया? पांडे आपको लगता है ये एक दो चेंजेस हो सकते हैं? भाई देख लेते हैं, इंडिया का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है पहले मुकाबले में। टीम इंडिया संभावित प्लेइंग 11 आयरलैंड के खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है। रोहित टीम इंडिया कैप्टन होंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल या फिर सिराज। तो पांडे, आप जो आपने प्लेइंग 11 देखा है टीम इंडिया का, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या फिर आपको लगता है जायसवाल को मौका मिलेगा? मोनू, नहीं मुझे लग रहा है मोनू कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, और मुझे लग रहा है कि विराट और शायद रोहित ओपन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं, और जब आखिरी बार रोहित और विराट ने ओपन करा था तो दोनों ने अर्धशतक लगाया था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो बेहतरीन तरीके से दोनों के दोनों परफॉर्म करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि रोहित और विराट ओपन करें, बहुत ज़्यादा स्लो पिच है, नसाऊ काउंटी में हमें बहुत ज़्यादा बाउंस देखने को नहीं मिला भी बांग्लादेश वाले मुकाबले में, तो मेरा दिल कह रहा है इन दोनों के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। फिलहाल अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप ने वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, 2 विकेट चटकाए थे उन्होंने, साथ साथ हार्दिक पांड्या बल्ले से भी कमाल किया था, गेंदबाजी में भी धमाल मचाया था, शिवम दुबे को भी इवन 2 विकेट्स मिले थे, 1 या 2 विकेट मिले थे, तो आई थिंक बहुत कंप्लीट टीम नजर आ रही है टीम इंडिया की, और अब पिच का भी उनको अंदाजा लग गया है क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट वो जीत कर आ रहे हैं बड़े मार्जिन से। क्यों, तो इसका मतलब साफ ये है जो पांडे जी ने हमें बताया है कि भाई शिवम दुबे भी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या दोनों प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अब उसमें यह है कि आप दुबे को थोड़ा ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं और बीच में ट्राई कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंडर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई विराट रोहित दोनों ही आपके राइट हैंडर हैं। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो सामने टीम है आयरलैंड की टीम, वो भी वैसे देखा जाए तो उनका भी जो टीम मुझे बड़ी बैलेंस लगी दोस्तों, एक बार देख ही लेते हैं भाई वो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है। आयरलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है कुछ वैसी हो सकती है। पॉल स्टर्लिंग इस टीम में कैप्टन होंगे, एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डलोनी, हैरी टैक्टर, जॉर्ज डेकोरेल, लॉरकन टक्कर, मार्क अडायर, जॉर्ज लिवा लिटल, क्रैग यंग और बैरी मैकार्थी। अब अगर इसमें देखा जाए तो पांडे जी, इसमें तो जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, हालांकि ओपनिंग में पॉल स्टर्लिंग बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं, लेकिन वो थोड़ा अटैकिंग खेलते जैसे जायसवाल खेलते हैं, उनको आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली जैसे कि आपने पॉल स्टर्लिंग की बात करी, कप्तान है इनके, पॉल स्टर्लिंग सबसे एजेड खिलाड़ी हैं अगर मैं बात करूं आयरलैंड की टीम में, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 2011 में देखा था बिल्कुल, और जिस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं पॉल स्टर्लिंग, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं आयरलैंड की तरफ से, साथ साथ जोशुआ लिटिल जो कि गेंदबाजी का जिन्होंने मोर्चा पूरा संभाला हुआ है, गेंदबाजी में बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स भी जोशुआ लिटिल के पास है, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, और साथ साथ रोहित शर्मा को परेशान कर सकते हैं, और साथ साथ बात करूं एंड्रयू बेलबर्नी की, इनका भी स्ट्राइक रेट बेहतरीन है मोनू, 140 के अराउंड का स्ट्राइक रेट है, बीच में आते खेलने के लिए और धमाल मचा के जाते हैं, इनकी बैटिंग से मुझे मोनू वो आयरलैंड वाली सीरीज याद आ गई जब हमने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था, जब जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, वहां पर एंड्रयू बेलबर्नी का
बल्ला चला था और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो इनकी भी बैलेंस टीम है और सेटबैक कभी भी हो सकता है, कभी भी ये टीम हमें पछाड़ सकती है। तो इंडिया हल्के में तो नहीं लेगा, है ना? नहीं लेगा। और ट्रैक्टर की भी मुझे याद है, ट्रैक्टर ने बड़ी अच्छी पारियां खेली थी, बुमराह जिसकी आप बात करते कैप्टन थे उस टाइम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इंडियन टीम इंडिया को चौकन्ना रहना होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर वन चीज़ ये है कि क्या रोहित और विराट ही आगाज करेंगे पारी का, पहली चीज। नंबर टू चीज़ है कुलदीप वर्सेज चाहल में आप किसे देखते हैं प्लेइंग 11 में, श्रद्धा पांडे? देखिए मुझे लग रहा है जैसे कि अभी इनका रवैया रुतबा रहा है, मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव को डेफिनेटली ये लोग खिलाएंगे। यूजी चहल को अगर खिलाना होता तो आई थिंक वार्म अप मैच में एक मौका तो देते। यूजी चहल के साथ 2021 2022 2023 इन्होंने 3 साल ऐसे ही करा और अब भी अगर स्क्वाड में वो आए हैं तो स्क्वाड में उनको वार्म अप मैच नहीं खिला रहे, क्या उनको मैच खेलने का हक नहीं है, क्या उनको मतलब प्रैक्टिस नहीं चाहिए, क्या इतने परफेक्शनिस्ट हैं वो? तो आई थिंक टीम इंडिया कुलदीप के साथ थोड़ा सा ज्यादा जा सकती है, अपर हैंड कुलदीप का मुझे नजर आ रहा है, कुलदीप का नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और भाई, अपर हैंड की आपने बात की, दोनों टीमों में से अपर हैंड किसका, अगर हेड टू हेड देखोगे T20 मैचेस में भाई क्या इंडिया आगे और कितना आगे वो भी देख लेते हैं यार। दोनों टीमों के देखा जाए तो इंडिया वर्सेज आयरलैंड हेड टू हेड की बात करते हैं तो अब तक 7 मैच हुए हैं और 7-7 टीम इंडिया जीते हैं और आयरलैंड ने अभी जीत का खाता भी नहीं खोला है। अगर इंडिया वर्सेज आयरलैंड देखें श्रद्धा पांडे, टीम इंडिया ने अब तक एक मौका भी नहीं दिया आयरलैंड की टीम को और यहाँ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप है आपको वैसे ग्रुप भी दिखा देते दोस्तों, जो चारों टीमों के ग्रुप हैं, अब ग्रुप ए में है टीम इंडिया। अब दोस्तों आप देखिए ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा की टीम है और ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी, ये ग्रुप सी में। और ग्रुप डी जिसे हम डेथ ऑफ ग्रुप कहते हैं, जहाँ साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल, अभी जो हमने 5 ग्रुप दिखाए दोस्तों, यहाँ से 2-2 टीमें जाएंगी सुपर 8 के लिए। अब यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा। अब यहाँ से पांडे जी वैसे पूछना हो जाता है, कभी कभी पूछ लेना चाहिए, आपको क्या लगता है भाई, दो टीमें जो क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप से, हाँ। क्या इंडिया पाकिस्तान ही होंगी, हाँ। या फिर आयरलैंड या कनाडा, कुछ उलट फेर हो सकता है? देखिए कनाडा तो नहीं बट आयरलैंड जरूर उलट फेर कर सकती है, लेकिन फिर भी रियलिटी में वापस आ जाते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान ही इस ग्रुप से जाएगा, क्योंकि ग्रुप ना बहुत तमीज से, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, उन सबको पता है, मतलब जो ग्रुप्स बनाते हैं आईसीसी को पता है कि एक टीम में 2 मजबूत टीम्स रखनी है और बाकी ऐसी टीम्स रखनी है जो सेटबैक दे सकती हैं। तो आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप से आगे जाने वाले हैं, मुझे लगता है आगे जाने वाला है। और अगर इंडिया वर्सेज आयरलैंड की मैच की ही बात करें, आपको क्या लगता है, क्या आयरलैंड की टीम सेटबैक करेगी या दिल जीतेगी, दोनों में से क्या होगा? देखिए मुझे लगता है कि सेटबैक करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन दिल जरूर जीतेगी। हमने जो वेस्ट इंडीज और पीएनजी का मुकाबला देखा था, भले ही वेस्ट इंडीज जीत गई लेकिन दिल पीएनजी ने जीते, वो 19वें और 20वें ओवर में मुकाबला पूरा पलट गया और इतना छोटा टोटल भी वेस्ट इंडीज को चेस करने में नानी उनकी याद आ गई, तो मुझे लग रहा है जरूर सेटबैक तो नहीं दे पाएगी, लेकिन आयरलैंड की टीम एक अच्छा क्रिकेट खेलेगी, बहुत टाइम से क्रिकेट खेलती आ रही है, आयरलैंड में क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद भी करा जाता है, तो मुझे लग रहा है आयरलैंड काफी अच्छा क्रिकेट खेलेगी, बैलेंस्ड टीम है उनकी और कर्टिस कैम्फर हो गए, वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे, चाहे आप पॉल स्टर्लिंग की बात कर लीजिए, एंड्रयू बेलबर्नी की बात कर लीजिए, सभी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, तो मुझे लग रहा है सेटबैक तो नहीं बट दिल जरूर जीतेगी। और जो नसाउ क्रिकेट काउंटी स्टेडियम है वहाँ का जो पिच है थोड़ा स्लो जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग सरफेस भी होगा और इनिशियल जो फेज है, इनफैक्ट फॉर्मर क्रिकेटर कईयों ने बोला है कि भाई जो पावर प्ले का अच्छा यूज करेगी टीम, आई थिंक उसके लिए फिर चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि भाई पावर प्ले की हमने बात की, विराट और रोहित ओपन करेंगे, क्या वो सोच और अप्रोच दोनों बदलेंगी, क्या वो अटैक लीड खेलेंगे? देखिए खेलना चाहिए, नसाउ क्रिकेट काउंटी में हमने जो बांग्लादेश वाला मुकाबला देखा था उसमें हमने देखा था कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि पहली बार ड्रॉप इन पिचेस में खेल रहे थे, बट आई थिंक रोहित और विराट अगर रहेंगे तो एक इंटेंट, अच्छा इंटेंट दिखाएंगे और पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे, बट जोशुआ लिटिल से बचना पड़ेगा क्योंकि पावर प्ले में जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और सामने रोहित शर्मा होंगे जो कि लेफ्ट आर्म सीमर काल है उनके लिए, मतलब तो उनसे बचना होगा, बट अदरवाइज रोहित और विराट अगर ओपन करते हैं तो मुझे लग रहा है एक अलग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी होगी। और जोशुआ लिटिल के पास तो एक्सपीरियंस भी है ना, जो आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल में देखा था उनका गेंद थोड़ा चढ़कर आता है और मान लीजिए स्विमिंग कंडीशंस हुई तो फिर वैसे भी थोड़ा गेंद मूव करेगा और ऐसे में भाई जबरदस्त गेंदबाज हैं जोशुआ लिटिल भी आपको वहाँ नजर आएंगे और जो बाकी गेंदबाज हैं वही बड़े इम्पैक्टफुल हैं, तो ऐसे में इंडिया को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टर पूछा जाए श्रद्धा पांडे आपसे, भाई टीम इंडिया के लिए कौन सा खिलाड़ी वो सबसे बड़ा एक्सपेक्टर होगा, और उस तरफ से भी पूछा जाए आयरलैंड के लिए कि कौन सा होगा, तो आप प्लीज़ बता सकते दोनों नाम कौन से होंगे? देखिए मोनू मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली पारी को बनाना जानते हैं और ऐसे पिचेस में आपको वही चाहिए जो अंत तक खड़ा रहे, जैसे हमने वार्म अप मैच में हमने देखा कि ऋषभ पंत ने अच्छा परफॉर्म किया था, हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो ऐसी ड्रॉप पिचेस में आपको चाहिए कि पारी को कोई
रोटेट करे, पारी को कोई लंबा लेके जाए, तो मुझे लग रहा है टीम इंडिया से विराट कोहली, और दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है कि एंड्रयू बेलबर्न, इनका स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है और ये परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, इनके स्टैट्स, इनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दोनों मेरे एक एंड्रयू बेलबर्न और विराट कोहली। इनफैक्ट मैं भी विराट के साथ ही जाऊंगा, और विराट अगर विराट परफॉर्मेंस करते हैं और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विराट अगर अच्छा करेंगे तो फिर टीम इंडिया भी अच्छा करेगी, मेरा ये मानना दोस्तों। और जो नंबर टू आपने पूछा आयरलैंड की तरफ से, भाई पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जो मार्क अडेयर हैं वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने के लिए माहिर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अब आयरलैंड को रोकने के लिए टीम इंडिया को ऐसे तीन क्या काम करने होंगे, वैसे तो इंडिया नो डाउट फेवरेट है और इंडिया का पूरा डोमिनेंस भी दिखा है, भाई हेड टू हेड में हमने देखा सात के सात मुकाबले जीते हैं, बट फिर टीम इंडिया को ऐसे तीन काम क्या करने होंगे श्रद्धा पांडे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए सबसे पहले मुझे लग रहा है मोनू की पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, खास करके रोहित शर्मा को जो जोशुआ लिटिल है उनके ओवर्स से बचना पड़ेगा, उनके चार ओवर्स अच्छे से खेलने पड़ेंगे, पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ साथ बल्लेबाजी जो इनका जो बीच का जो क्रम है जहां पे शिवम दुबे भी होंगे, हार्दिक पांड्या भी होंगे, जहां पे ऋषभ पंत भी होंगे, वो वाला जो मिडिल ऑर्डर है वो उसको अच्छे से चलना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है दो काम तो ये जरूर करने पड़ेंगे। आप बताइए, मुझे लगता है जो उनके तेज गेंदबाजी है उसको थोड़ा सा धीरे से खेलना होगा, अब आप भले ही आप गेंद ले लीजिए थोड़ा सेम रखिए और बाद में भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रैग यंग हो गए या फिर जोशुआ लिटिल हो गए, उनको थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, भले ही आप तीन ओवर में 20-25 रन बना दीजिए बट उसके बाद आप एक्सेलरेट कर सकते हैं आसानी के साथ हो, और क्योंकि आपके पास बैटिंग है और बैटिंग में आपके पावर बैट्समैन हैं जहाँ पर ऋषभ पंत होंगे, हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, सो आई थिंक बैटिंग इंडिया की बड़ी मजबूत है, लेकिन कभी कभी आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है, यू नो हम सब जानते हैं कि इस टीम में भी बैटिंग इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, और बॉलिंग में भाई मैं तो ये एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या कुलचा को मौका मिलेगा या फिर कुलदीप यादव के साथ ही जाएगी टीम इंडिया, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव आई थिंक एज ऑफ नाउ मुझे तो यही दो दिखते हैं। लेकिन दोस्तों आप बताइए हमें भाई, आपकी जो प्लेइंग 11 हमने दिखाई, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, क्या उसी के साथ आप जाओगे या आप भी लगता है कि यार चाहल को मौका मिलना चाहिए, जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, और टीम इंडिया को पावर प्ले में कितने रन बनाने चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं, इंडिया वर्सेज आयरलैंड में कौन जीतेगा वो भी आप बता सकते हैं, और हाइएस्ट रन गेटर कौन होगा वो भी आप बता सकते हैं, विकेट कौन लेगा वो भी आप बता सकते हैं, और जैसे श्रद्धा पांडे ने कहा और मैंने जो कहा दो खिलाड़ी जो हमने चुने हैं आप उसको अपनी टीम में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि विराट और बुमराह मेरे फेवरेट हैं इस मैच में। पांडे आपके कौन फेवरेट हैं? मुझे लगता है कि मनु विराट और वहां से जोशुआ लिटिल। तो प्लीज़ आप इन दोनों खिलाड़ियों के साथ जा सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो।